हाँ तो नमस्कार दोस्तों। और देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रायपुर रोड के ऊपर ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हिसार के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। अगर आप जो देखिए इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपका सलाहकार सही है और आप सही जगह पे सही समय के अंदर अगर निवेश करते हैं तो उससे आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा यहाँ पर कमा पाएंगे। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि रायपुर रोड को ही मैं आज के समय में क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहली बात ये देखिएगा, जो भी लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हुड्डा के अंदर काफी ऑप्शंस आई हुई है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी आई हुई है, कॉमर्शियल में DSS, SEO, उसके बाद में बूथ, है ना, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आई हुई है। अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक SEO का, जो अर्बन स्टेट के अंदर, अर्बन स्टेट का जो SEO है वो आप ये मान के चलिएगा 110 गज का साइज उसका है, और जो बिल्कुल पुष्पा कॉम्प्लेक्स के बैक साइड की, अभी आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा, जो पुष्पा कॉम्प्लेक्स की बैक साइड में, जहां पर मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 2002-03 के अंदर जब हम यहाँ पर NYPS स्कूल में पढ़ने आते थे, तब भी वहां पर वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। तो ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन वहां पर बेस प्राइस रखा हुआ है 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ से वो शुरुआत होनी है जी बोली, तो आप ही ये मान के चलिए 2.25 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से वो प्रॉपर्टी रहती है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि उसके पास रजिस्ट्री का खर्चा, जो उसका रजिस्ट्री का खर्चा है वो 2.5 लाख के हिसाब से आपको लगता है ना, तो ये समथिंग आप 2.5 करोड़ के हिसाब से आपका अगर 5% भी आप लगा के चलिएगा तो ये 2.75 करोड़ के आसपास उसका चला जाता है। अब रायपुर रोड की बात रही, तो रायपुर रोड के ऊपर आपको पता है कि जैसे जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 10 है, उसके उस साइड में पूरा कॉमर्शियल सेक्टर, सेक्टर 25 आ रहा है हिसार के अंदर, कुछ एक कारणों की वजह से उसको डिले कर दिया गया, लेकिन हो जाएगा कि भाई पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसी महीने के अंदर उसकी लॉन्चिंग होगी, लेकिन कुछ एक कारण थे कि भाई उसको थोड़ा सा आगे टलाया गया ताकि जो भी और भी कुछ एक फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होने के बाद उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जो ये सेक्टर आ रहा है सेक्टर 25, तो यहाँ पर बेस प्राइस रखा हुआ है 1 लाख, बेस प्राइस सॉरी, यहाँ का जो कलेक्टर रेट है वो 1 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से रखा हुआ है। अब जो ये कलेक्टर रेट 1 लाख रुपए, रोड के जस्ट उस साइड में 1 लाख रुपए प्रति गज, और जो हाईवे है उसके जस्ट उसके अपोजिट साइड में, यानी कि उसकी विपरीत दिशा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अभी जो कलेक्टर रेट है वो एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से 2200-2300 रुपये गज के हिसाब से प्रति, देखिएगा एक रोड का फर्क है, रोड के उस साइड में 1 लाख रुपये प्रति गज और रोड के इस साइड में 2200-2300 रुपये गज के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर क्या है कि उसी हिसाब से यहाँ पर आपका रजिस्ट्री का खर्चा कम लगेगा, है ना, तो वो चीज़ होती है। और जो हम यहाँ से हाईवे से जैसे हम चलेंगे अंदर की तरफ में, तो जितनी पूंजी के अंदर आप वहाँ पर 110 गज का आप ले रहे थे SEO, माना कि SEO में हर जगह ऐसा नहीं है कि सभी जगह पे आप कहीं पर भी ले लेंगे तो आपका रेंटल इनकम वहां पर बन जाती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं थी। अगर ऑफ लोकेशन में आप फंस के खड़े हो गए तो वहां पर भी कोई जरूरी नहीं है कि रेंटल इनकम बनेगी, लेकिन अगर वही जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रायपुर रोड के ऊपर आप इतनी पूंजी निवेश कर दें, तो यहाँ पर आपको लगभग ये मान के चलिएगा 3 कनाल से 3 से 4 कनाल की जमीन आपको आ जाएगी, अच्छी लोकेशन की, जहाँ पर आपको 33 या 45 फुट की सड़क भी मिलेगी। उसके बाद में आपको वो इस बजट के दौरान 4 कनाल के लगभग आपकी जमीन भी आ जाएगी, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर गोडाउन्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसके ऊपर आप CLU लेते हैं गवर्नमेंट से, आप प्रॉपर CLU लेके और उसके ऊपर गोडाउन इंडस्ट्री या कुछ भी लगाते हैं, तो आपको रेंटल इनकम बहुत बेहतरीन आती। एक तो 4 कनाल जगह होगी, है ना, लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 2500-2800 गज जगह होगी, लगभग 2400 गज के आसपास हो गया, तो एक तो 2400 गज के आसपास आपको जगह मिल रही है, यानी कि उससे कई गुना वहां हमें मिल रही थी 110 गज और यहाँ हमें मिल रही 2400 गज, है ना, तो लगभग 20 गुना हो गया, तो इतनी जमीन हमको यहाँ पर मिल रही है। इसके ऊपर अगर हम कोई गोडाउन वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा यहाँ पर आपको रेंटल इनकम दे पाएगा, तो ये चीज होती है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था कि एक जो रजिस्ट्री का खर्चा होता है वो भी उस हिसाब से बहुत कम है, मतलब आपको ये नहीं कि
कल को अगर आप कस्टमर ढूंढते हैं, खुदा ना खास्ता एमरजेंसी के अंदर आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसके ग्राहक होना चाहिए जो ऑक्शन वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है। देखिए जो सेक्टर 25 है उसकी बात अलग रहेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नॉर्मल जो प्लॉट है जैसे सेक्टर 16, 17, 9, 11, अर्बन स्टेट, ओल्ड कोर्ट, ये सारे जितने भी है, वहां की जब प्रॉपर्टी आप अगर आप बेचने का प्लान करेंगे तो इतनी जल्दी आपको वहां पर बायर नहीं मिलेगा लगभग, ये मान के चलिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इतनी हैवी अमाउंट के ऊपर रजिस्ट्री का जो खर्चा बैठेगा उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा बन जाती है, जिसमें आपको बायर ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी आप लेते हो, यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि रायपुर रोड के ऊपर आपको दो तीन तीन चार कनाल जमीन आपको मिल जाएगी प्रॉपर, आप 22-33 फुट, 45 फुट, 50 फुट की सड़कों के ऊपर में, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और मेरा तो मानना ऐसा है। बाकी अगर आप यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हर जगह की प्रॉपर्टी से सुरक्षित नहीं होती, आपकी जो पूंजी है वो आपके लिए बहुत कीमती है, मैं हमेशा से बताता आया हूँ। इसलिए जब तक पूर्ण तफ्तीश ना कर ले, जानकारी ना ले ले, तो उसके बाद ही अपनी पूंजी का निवेश करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि देखिए अभी अगर मैं पीछे 6 महीने के बैक की बात करूँ, जो 6 महीने पहले यहाँ लगभग आप ये मान के चलिए आप मार्केट रेट यहाँ 5-6 हजार रुपये गज होता था, और आज के टाइम में यहाँ पर 14-15 हजार रुपये गज तक पहुँच गया। यानी कि इन 6 महीने के दौरान जहाँ पूरे ऑल ओवर हिसार के अंदर बोला जा रहा था कि मार्केट रुका हुआ है, इन 6 महीने के अंदर यहाँ पर 3 गुना रेट्स हो चुके हैं। तो आने वाले जो 5 साल के लिए, अगले जो 5 साल के लिए अगर आप निवेश करते हो, तो मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ से रेंटल इन मतलब जो प्रॉपर्टी गेन है वो एक अच्छा ग्रोथ करने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर इस एरिया का, इसलिए क्योंकि जो अभी आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी बताया गया था कि जो IG इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ से हिसार की जो कनेक्टिविटी वो डायरेक्ट की जा रही है यहाँ से, और जो रायपुर रेलवे स्टेशन है, ये वाला रेलवे स्टेशन ग्रोथ करना आगे आने वाले समय में, सेक्टर 25 भी यहाँ पर है, जितना लोडिंग का अनलोडिंग का जो भी प्रपोजल चल रहे हैं सरकार के, वो इस एरिया की तरफ में ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावना रहेगी। अब बात ये है कि अगर आप इस समय यहाँ पर निवेश करते हो तो एक अच्छा मूवमेंट आपको अगले 4-5 साल के लिए निवेश करके छोड़ दीजिए, अपनी FD करके छोड़ दीजिए, आपको अच्छा इनकम यहाँ से मिल सकता है। और रेंटल इनकम का भी मैंने आपको बता दिया, सारे यहाँ के जो फायदे थे वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हर जगह, आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑथेंटिक जगह पे जाए, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं पहले क्या करता हूँ, कोई भी जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हम पहले खुद अपनी उससे तफ्तीश करते हैं कि कौन इसकी प्लॉटिंग किसने की है, किस तरीके की लैंड है, साफ सुथरी ज़मीन है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं, हर चीज़ की तसल्ली करके देन हम अपने जो ग्राहक है, अपने जो कस्टमर है, उनके सामने वो चीज़ पेश करते हैं। तो इस तरीके से काम किया जाता है, ये बहुत सावधानी वाला कार्य है, ये इतनी यू नहीं है कि भाई राह चलते किसी ने भी अपना एक छोटा सा ऑफिस कर लिया और आप उसको अपनी पूंजी सौंप दें, तो वो बहुत खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। आजकल आपको पता है कि जगह जगह पर टाइम टू टाइम डिस्प्यूट्स इतने आ रहे हैं, हर रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कभी किसी डीलर ने किया, तो वो आप थोड़ा सा सोच समझ के जहाँ भी निवेश करें, सोच समझ के तसल्लीपूर्वक संयमपूर्वक निवेश करें। तो मैंने आपको दोनों से कंपेयर कर दिया, इतनी पूंजी में वहाँ पर आपको क्या मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दोनों की संभावना। बाकी जब आप आएंगे ग्राउंड के ऊपर मैं आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर बता पाऊंगा। और मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, गोडाउन्स या होटल्स, ये तीनों का स्कोप आने वाले समय में अच्छा रहेगा। आप हमेशा जो सरकार के नियम है उनके अनुसार कार्य करें। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी अनअप्रूव्ड में जाए ना जाए सेफ रहेगा नहीं रहेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी अनअप्रूव्ड लोकेशन पे ना जाए, और वहाँ पर जो सरकार ने तरीके बताए, सरकार जब बोल रही है कि 2 कनाल की आप जमीन लो, आपकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, तो आप उस तरीके से लो, आप क्यों छोटे उनके दूसरों की बातों में आके फंसते हो। कभी भी दूसरे की बातों में आके ना फंसे, क्योंकि ये बहुत अगर इसमें आप सही जो जानकार है, सही जो कंसल्टेंट है, उसके माध्यम से अगर कार्य करते हैं तो अच्छा मुनाफा, अपनी जिंदगी में अच्छी
तरक्की कर पाएंगे, और अगर आपने डिसीजन आपका सही समय पर सही डिसीजन नहीं रहा और थोड़े से लालच में आप फंस गए तो वो आपकी जिंदगी को यहाँ पर नष्ट भी कर सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपको अच्छे लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, अपने जानकारों तक भेजिए। और यहाँ पर मैं आज भी बता रहा हूँ कि इस भाव में नेशनल हाईवे नंबर 10 के आसपास जो मैं आपको बताऊंगा उसके आसपास में निवेश करने में 15 हजार रुपए गज के हिसाब से आपको मिलती है। और एक अच्छी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप निवेश करें, बड़ी लैंड के ऊपर आप निवेश करें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। ये था मेरा एक